हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले छात्र जो लगातार जो मैसेज कर रहे हैं कि सर जो अभी हमारा डीजी लॉकर पर मार्कशीट अपलोड की गई है, क्या वो हमारी मार्कशीट फाइनल रहेगी। और बहुत से बच्चे ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमने जो डिस्प्यूट के लिए अप्लाई किया था, हमारा जो डिस्प्यूट का रिजल्ट आ गया, तो डिस्प्यूट वाला रिजल्ट ही हमारा जो है वो डिजी लॉकर पर शो कर रहा है। तो क्या अब ये जो रिजल्ट जो शो कर वही हमारा फाइनल रहेगा? क्या हम इस मार्कशीट का उपयोग एडमिशन के लिए कर सकते हैं स्कूल और कॉलेज में? और साथ ही साथ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने जो एग्ज़ाम दिया था कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट का, उसमें जो हमारे नंबर बढ़े हैं, क्या वो बढ़कर नंबर हमारे आएंगे? क्योंकि हमारी तो पुरानी वाली मार्कशीट ही शो कर रही है, क्योंकि हमने तो जो एग्ज़ाम दिया था उसमें हमारे नंबर बढ़े हुए थे। तो ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाले थे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी आप रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपको क्लास 11th में है, क्लास 10th में, क्लास 12th में SST पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है छात्रों का कि सर जो अभी जो मार्कशीट डिजी लॉकर पर अपलोड की गई है, क्या उस मार्कशीट का जो हम उपयोग अपने एडमिशन के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी जो आपकी जो मार्कशीट आई है, उस जो डिजी लॉकर पर शो हो रही है, उस मार्कशीट का उपयोग आप एडमिशन के लिए कर सकते हैं। और ठीक है, एक परसेंट मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये अगर आपको फायदा नहीं, 1% बता रहा हूँ, तो 10 से 12 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो है मार्कशीट अपलोड करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जोनल ऑफिस से दोस्तों मैंने बात करी हुई है, जहां आप सभी जो मार्कशीट बनती है वहां भी मैंने बात करी हुई, उन्होंने कहा कि मार्कशीट अभी ये अपलोड हो चुकी है और अभी जिन बच्चों का अभी तक नहीं है वो अपलोड हो रही है, तो आप दोस्तों इसका प्रयोग एडमिशन के लिए कर सकते हो। क्योंकि बहुत से छात्र ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हमारे जो स्कूल वाले वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे कि मार्कशीट लेकर आइए, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आइए। तो दोस्तों अभी आप इस मार्कशीट का प्रयोग अपने एडमिशन लेकर जो एडमिशन के लिए कर सकते हैं। और स्कूल से आप कह सकते हैं कि आप वेट की 10 से 15 दिन का समय मांग सकते हो, क्योंकि 20-22 तारीख तक जो है हो सकता है आपका स्कूल के अंदर भी ओरिजिनल जो हार्ड कॉपी वो आ जाएगी, वहाँ से आप जाकर दोस्तों कलेक्ट कर लीजिएगा। पुरानी जो मार्कशीट है आप सभी को तो स्कूल में पहले से आ चुकी है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिले प्लीज़ अपने स्कूल में संपर्क कीजिए। क्योंकि तो अदर स्टेट के दोस्तों मैं नहीं कह सकता, बट दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में जो है मार्कशीट आ चुकी है, वहाँ से बच्चे ने बहुत से बच्चे कलेक्ट करे, तो आप भी कलेक्ट कर सकते थे। आप दिल्ली से स्टेट में अगर इसके से आप दूसरे अदर स्टेट से और CBSE बोर्ड से, तो अपने स्कूल से जरूर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर भी आपकी मार्कशीट आ चुकी होगी और जो जो कहते हैं हार्ड कॉपी गए, क्लियर। साथ ही साथ बच्चे पूछ रहे कि सर जो हमारी हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, और उस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जो हमारे नंबर बढ़े हैं सभी सब्जेक्ट में, तो लेकिन अभी हम जब डाउनलोड कर रहे हैं तो मार्कशीट हमारी पहले वाली दिखा रही है, उसमें हमारे नंबर बढ़े हुए नहीं दिखा रहे, कुछ बच्चे कह रहे हैं। तो जिन बच्चों के मार्कशीट अभी बड़े हुए उसमें नंबर ऐड नहीं हुए, तो उन्हें वेट करना चाहिए, 10 से 12 अक्टूबर तक आपकी भी मार्कशीट जो है उसमें बढ़कर आपके जो है रिजल्ट पर आ जाएगी दोस्तों, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो आप बहुत से वीडियो देखेंगे, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, जितनी ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो आप CBSE पर भरोसा कीजिए, CBSE की वेबसाइट पर भरोसा कीजिए, हालांकि CBSE पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, बट हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, बट आप इस टाइम को ठीक है पैनिक में मत रहिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार के सोचिए मत, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो दोस्तों अच्छा ही आएगा, बनकर आएगा, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख कर चलनी है। और बच्चे डिस्प्यूट को लेकर बोल रहे थे कि सर जो हमारा जो डिस्प्यूट का रिजल्ट है वो फाइनल होगा, जी हाँ आपका जो डिस्प्यूट का रिजल्ट होगा फाइनल होगा। बहुत सारे स्कूलों से मैंने बात की दोस्तों, हर स्कूल में अधिकतर जो टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने यही कहा है कि जो डिस्प्यूट का रिजल्ट होगा फाइनल माना जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होगा, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। और किसी भी चीज़ किसी प्रकार की नेगेटिविटी अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि देखो अभी जो होना तो हो चुका है, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, ठीक, जो होना तो हो चुका है, अब इससे बुरा क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देख रहे किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है CBSE द्वारा, अदर बोर्ड स्कूल के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप कह सकते हैं कि इंसान को कभी कभी सीख मिलती है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि अब भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम को कैंसिल को लेकर या ट्वीट को लेकर आप बिल्कुल आगे मत आइएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो अभी भी तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं किसको लेकर कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई।
दोस्तों तो पीठ थपथपाने वाली बात नहीं, एग्जाम कैंसिल हुआ, इससे नुकसान किसको हुआ? छात्रों को हुआ, आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। छात्रों को नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भले ही आप उस ट्रेंड के भागीदारी थे, भले ही आपने उन सभी के साथ मिलकर आप लोगों ने जो है ट्रेंड चलाया और जो है एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, बट एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। तो वो सारी चीजें जो भुगतान है, अभी भुगतान सभी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ छात्र जो अच्छे नंबर आए तो उनके अच्छे नंबर आ गए, बट अधिकांश छात्रों को सही नंबर नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है, पैनिक नहीं करना है। जो अभी हमारे सामने हमारे आपको अपने लक्ष्य सेट करना है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए अंतर्गत रूप से। रुकना बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य के नज़दीक जाइए और भविष्य में आप बहुत सही करेंगे, बस ये मान कर चलिए। और जो बनना है आप उसको सोच कर चलिए, क्योंकि अगर आपने एक बार सोच लिया तो उस पर आपका कमांड काफ़ी फोकस काफ़ी सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहता, क्योंकि और साथ से बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हमने अभी कॉपी री कॉपी चेंज करने के लिए दोबारा सप्लाई किया उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो अभी तो दोस्तों 19 अक्टूबर तक तो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, 19 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। कब आएगा, कब किस तरह आएगा, इसको किसी को पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा आपका जो है री एवोल्यूशन का, री कॉपी चेकिंग का, वो 19 अक्टूबर के बाद ही आएगा, ठीक है। और इससे आपके मार्क्सशीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर देखो अधिकांशतः तो यही होता है दोस्तों कि री एवोल्यूशन में नंबर नहीं बढ़ते हैं, 80% चांसेस होता है कि नंबर नहीं बढ़ते, वही नंबर रहता है। 20% चांसेस कि नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ेंगे तो आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा, उसका अपना अलग प्रक्रिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आती हैं। बहुत से बच्चे कंबाइंड मार्क्सशीट की बात करते हो कि सर हमारा पूरा मार्क्सशीट कब आएगा, तो सभी अधिकांश बच्चों की पूरी पूरी जो मार्क्सशीट आ चुकी है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं जो कन्फर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक या कल पर कल तक दोस्तों ना मैं आपको वो पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा जो बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ धैर्य बना रखें, क्योंकि अभी भी अपडेट है मेरे पास, बट कन्फर्म मैं नहीं कर पाया हूँ। कन्फर्म होते दोस्तों आप सभी को बताऊँगा। तो प्लीज़ सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रही है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने हमें इस चैनल में इतना सपोर्ट किया तो दोस्तों एक चैनल मेरा और है द नॉलेज टेबल, उसे भी सपोर्ट कीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को जो है अपडेट लगातार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह प्यार देते रहिए। और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को तक हमेशा ऑथेंटिक और सही खबर पहुँचाऊँ, और चाहे वो कोई अपडेट हो या एजुकेशन संबंधित हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आप सभी को जितने भी कमेंट्स हैं, उन सभी कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे पा रहा, बट क्योंकि आज कुछ ट्रेजडी होगी हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से मैं अभी वहीं पर बिजी हुआ, बहुत ज़्यादा दोस्तों हादसा हो गया, इस वजह से मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों टाइम मिलेगा तो सभी कमेंट्स कलेक्ट करके एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा। प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।